श्रीनाथ बाबा रोशन शाह बाबा की सरजमीन रसड़ा के गढ़िया रसड़ा कस्बा सहित कई गांव में जाकर सपा नेता व प्रमुख समाज सेवी बदरुद्दुजा उर्फ बबलू अंसारी ने भाई बहन के पवित्र प्रेम के त्योहार रक्षा बंधन पर बहनों से राखी बंधवाकर हिंदू मुस्लिम एकता का जहां पैगाम दिया, वहीं बहनों की सलामती व समाज के मान सम्मान को बनाए रखने का संकल्प लिया। उन्होंने नगर के पंच मंदिर मोहल्ला स्थित एक रक्षाबंधन कार्यक्रम में भाग लेने के बाद उन्होंने कहा कि रसड़ा श्रीनाथ बाबा व रोशन शाह बाबा की हिंदू मुस्लिम एकता की धरती है। इस परंपरा को मजबूत करने के लिए बहनों ने राखी बांधकर जो ऊर्जा दी है उसके दम पर हम बहनों के साथ संपूर्ण समाज के मान सम्मान की रक्षा करते हुए गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखेंगे। उन्होंने गढ़िया अमहरारी गाँव में भी राखी कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर सपा के पूर्व नगर महासचिव विजय शंकर ठाकुर, पिंटू अंसारी, हीरा मौर्य, रिंकू अंसारी, राजकुमार खरवार, मोनू अंसारी, अजय सिंह, दानिश अंसारी आदि मौजूद रहे। बदरुद्दुजा उर्फ बबलू अंसारी, समाजवादी पार्टी विधानसभा रसड़ा का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। आज यहाँ पर आप रक्षा बंधन आए हैं, बच्चों से राखी बांधे हैं, बड़ी उत्साह है बच्चों में। क्या आप संकल्प ले रहे हैं त्यौहार पर? रक्षाबंधन का पर्व जो है भाई और बहन का स्नेह और उनकी रक्षा के लिए संकल्प होने का दिन के स्वरूप में मनाया जाता है। हमारा रसड़ा रोशन शाह बाबा और नाथ बाबा की नगरी है, जो हिंदू मुस्लिम एकता को एक साथ पर्व जो है एक साथ मिलकर मनाती है। और ये पुरानी प्रथा भी है, रानी कर्मावती ने भी राजा हुमायूं को अपनी रक्षा के लिए राखी बांधा था। उसी पर परंपरा को निर्वहन करते हुए मैं आज संकल्प लेता हूं कि बहनों पे कोई परेशानी ना आए, इनके दुख सुख में साथ रहूं, इनके साथ साथ सभी समाज के लिए दुख सुख में खड़ा रहूं, पे कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मैं कृत संकल्प हूँ। धन्यवाद। मोहल्ला पंचवती रसवा बलिया वार्ड नंबर 4। आपके मोहल्ला में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बबलू अंसारी भी आए हुए हैं और भारी संख्या में लड़काओं ने उन्हें भागा है राखी, इस पर क्या संकल्प ले रहे हैं आप, क्या संदेश दे रहे हैं? यह जो है कि पहले ही से, चूंकि हमारे हिंदू धर्म में परंपरा चली आ रही है कि बहन, ब्राह्मण और गाय तीनों को एक श्रेणी में रखा गया है, और बहन के बारे में कहा गया है कि जब उसकी आयु शादी से पहले होती है तो उसकी सुरक्षा पिता करते हैं, शादी होने के बाद उसका पति करता है, और जब बूढ़ी हो जाती है तो उनके बच्चे करते हैं। मतलब उसको कि बहनों को हमेशा सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाता है। और बबलू जी के साथ मैं भी वादा करता हूँ कि चूंकि मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, कि सही बात है कि बहुत बढ़िया इन्होंने आज राखी बंधवा कर और दोनों धर्मों को जोड़कर और कौरमोती और हिमाऊं का आज उदाहरण ही पेश किए हैं, और ये भी वादा किए हैं, मैं भी साथ ही में हूं कि सही बात है कि बबलू जी के तरफ से भगवान चाहेंगे तो किसी धर्म किसी जात पर कोई भी आफत विपत्ति आएगी तो बबलू जी हमेशा हमको लगता है कि तैयार रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त